ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या प्रिंसिपल होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, दो होते हैं, एक तो होता है जेनेरिक प्रिंसिपल और एक होता है डिफरेंशियल। ठीक है, तो जो हमारे प्रिंसिपल हैं दो होते हैं। ठीक है, जेनेरिक प्रिंसिपल हैं वही प्रिंसिपल हैं जो सोशल केस वर्ग में मैंने आपको बताया था कि एक तो था इंडिविजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा था प्रिंसिपल और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, और क्या प्रिंसिपल था इसमें, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और था एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। याद आ रहे हैं नहीं आ रहे, गोला हो रहे हो। और क्या हो सकता था, कम्युनिकेशन था एक, तो पर्पसफुल रिलेशन भी हो था। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल जो होते हैं जेनरिक प्रिंसिपल में आते हैं जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लागू होते हैं। ठीक है ना, तो ये इनको डिस्क्राइब क्या करना है, जो पहले बताया था तो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, तो इसको बताऊंगा नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशियल प्रिंसिपल होते हैं उसको हम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो डिफरेंशियल प्रिंसिपल है, पहला पार्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दूसरा है आपका रेशनल अप्रोच, अभी देखते रहो अभी सब समझ में आएगा। तीसरा जो है वो है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहीं पे, इसको बता देता हूँ। जो अब डिफरेंशियल प्रिंसिपल में पहला हमारा प्रिंसिपल था क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 15 याद है किसी को? ठीक है, पढ़ना 15 क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो कि हमारा इंडिया क्या है, वेलफेयर स्टेट है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, वेलफेयर स्टेट क्या कहता है कि सबका क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हो, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, डेवलपमेंट सबका हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो कौन कौन सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमें, किसी को भी, हमें जेंडर, किसी की भी कास्ट, किसी की भी रेस, किसी का भी रिलीजन। अब समझ में आ रहा है ना क्यों आर्टिकल 15 लिखा था, और किसी के भी रिलीजन हो गया, रिलीजन तो दोबारा हो गया। ठीक है, और रीजन, इसके बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, तो यही हमारा प्रिंसिपल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो अलग अलग जगह किताबों में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में कम 14 से 15 प्रिंसिपल लिख रखे हैं। ठीक है, अब मैं केवल तीन ही प्रिंसिपल में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे सब प्रिंसिपल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो उसमें कि जेंडर से कोई बायसनेस में, जैसे कास्ट से नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रिंसिपल बन जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, पन्ने भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस अप्रोच में हम उन्हें सिखाएंगे, ठीक है, कि डिफरेंशियल प्रिंसिपल तीन के होते हैं, तीन में ये आता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। अब क्या है, जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या है, रैशनल अप्रोच का। तो रैशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो वो जो तर्क संबंध जितनी भी अप्रोच होती है उनको बोलते हैं रैशनल अप्रोच। मतलब अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों है, अगर उसको लगता है कि ये ठीक है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कोई अंधविश्वास वाला नहीं होता, यहाँ किसी के कहने से कोई नहीं जाता, सब अपने अपने रैशनैलिटी से सोचते हैं। ठीक है, तो रैशनल प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारा सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना, उसमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिविटी देखनी है। क्या देखनी है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी अगर हम देखेंगे ना, तो हम कभी भी किसी के साथ फेवर नहीं करेंगे, तो फेवरेटिज्म जो है, ठीक है, ये इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, नेपोटिज्म का अंत हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेशनलिटी कहती है कि हम मेरिट बेस पे काम करेंगे। ठीक है ना,
जो हमें लगता है ये दो लोग हैं, ठीक है, हमें लगता है इसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो हम सोचेंगे कहेंगे कि इसको वो सहायता मिले, गवर्नमेंट पॉलिसी से इसको ज़्यादा फायदा हो, ठीक है, ये हमारे रिश्तेदार हो तो भी हम इसको मना कर देंगे, क्योंकि तो मेरिट बेस पे, ठीक है, इसका पहला हक बनता है ना कि इसका हक बनता है, ठीक है। तो हमेशा हमेशा कैसे सोचना है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, रिलेटेड टू किससे, फैक्ट से, हम पहले फैक्ट का एनालाइज करेंगे, ठीक है ना, फैक्ट से जो नॉर्म्स बनाया आपने अपनी एजेंसी के, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रैशनल बेस पे, मेरिट बेस पे फेवरेटिज्म को एकदम हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट में भी होना चाहिए, जितनी गवर्नमेंट की एजेंसी है उनमें भी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी आपको बहुत ज़रूरत है, ये वो इसलिए ज़रूरत है, देखो रेसिप्रोकेशन मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है, जैसे आपको कुछ मिल रहा है तो आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, ठीक है ना, तो कोई भी आदमी, ठीक है ना, उसके पास उतना दिमाग है, इतनी मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, कि उसको पता है कि वो सोसाइटी को क्या दे सकता है, ठीक है ना, और उसको ये भी पता है कि वो गवर्नमेंट से क्या ले सकता है, ठीक है। अगर कोई एक हाथ से गवर्नमेंट से कुछ पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, वेलफेयर पॉलिसी के थ्रू असिस्टेंस ले रहा है, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो सोसाइटी को भी कुछ दे, ठीक है। आप कोई बड़े ऑफिसर बन गए तो आपका ये मतलब होता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या काम करेंगे, अपने परिवार के लिए सब काम करते हैं, सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफरेंशियल में जो थर्ड प्रिंसिपल है, रेसिप्रोकेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि सारे इंडिविजुअल को, ठीक है ना, अपने डेवलपमेंट के बाद सोसाइटी को क्या देना है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ कोई भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना, कि आप उनको चैरिटी दे रहे हो, ठीक है, या एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है, या कपड़े दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो ये हमारा सोशल वेलफेयर एडमिशन के ये सारे प्रिंसिपल हो गए। अब हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेसेस, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस लिखो और प्रैक्टिसेस लिखो, तो इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस में क्या लिखना है, ठीक है, वही POSDCOR PEF जो मैंने बताया था, ठीक है। अब हम उसको लिखते हैं P फॉर प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या करते हैं हम कि कोई भी, देखो मान लो आपने एक एजेंसी खोल ले, ठीक है, ये एजेंसी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, तो आपके प्लान क्या होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, ठीक है, फिर आपके पास फिनेंस कितना है, ठीक है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज कितना है, ठीक है, आपके पास अदर वेरिएबल्स क्या क्या है, तो इन सबको देख के जो आप प्लान करोगे, सबसे पहले प्लानिंग करोगे, ठीक है। इसमें छोटा छोटा पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कुछ लोग होते हैं कि इसको बहुत डीपली पढ़ जाते हैं, पन्ने 1.5 पन्ने ही मिलने हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सबको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। हम जो सबसे ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डी डी वाले को, ठीक है, डिसीजन टेकिंग वाले को, क्योंकि डिसीजन टेकिंग में अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लानिंग में आप इतने लिखोगे, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, हम जो प्लान करेंगे उसको प्लानिंग बोलेंगे। प्लानिंग 3 तरह की हो सकती है, नेशनल लेवल प्लानिंग हो सकती है, स्टेट लेवल प्लानिंग हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग हो सकती है, और एक और चौथी प्लानिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं एजेंसी लेवल की प्लानिंग, ठीक है, इसको लोकल लेवल प्लानिंग भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। तो 3 लेवल की प्लानिंग हो गई। अब इसमें दूसरा ओ से होता है क्या, ये ओ आया, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कुछ भी प्लानिंग करने के बाद आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, कलेक्टिवली काम करेंगे फॉर ए सर्टेन गोल के लिए, ठीक है, सबका गोल एक ही होगा, जो भी वेलफेयर एक्टिविटी आपने छूटी है सब लोग उस पर काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या करोगे कि पूरी चीज़ें देखोगे कि हमें क्या क्या मिनिमम से मिनिमम चीज़ें चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हुआ, स्टाफिंग, ठीक है, स्टाफिंग का मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्स, आप लोगों को रिक्रूट करोगे, कौन क्या काम करेगा, कोई टेक्निकल काम करेगा, कोई फील्ड वर्क करेगा, कोई रिसर्च वर्क करेगा, ठीक है ना, तो ये सारे काम आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका डायरेक्शन करोगे, ठीक है, या इसको आप अभी इसको रहने दो भी, ठीक है, इसको करते हैं सी को,
ठीक है, सी में आएगा आपका कोऑर्डिनेशन, आप क्या करोगे कोऑर्डिनेशन करोगे, कोऑर्डिनेशन क्या करोगे किस किस के बीच में, एक अपनी एजेंसी के बीच में और जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसी है उसके बीच में और किसके लोगों के बीच में, ठीक है, पीपल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन करना है ना लोगों को जो काम कर रहे हैं, तो इंटर कोऑर्डिनेशन और इंट्रा कोऑर्डिनेशन ये सारे इसमें करोगे। अब बताता हूँ मैं डिसीजन मेकिंग क्या होगा, तो इसमें थोड़ा एक गड़बड़ हो गई थी कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारा ऑर्गेनाइजिंग, इसी के अंदर आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अलग से नहीं आता, तो ऑर्गेनाइजिंग जो पहले था हमारा प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही हम डिसीजन टेकिंग पढ़ेंगे, तो जो ये डी था वो होता है डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन करना है, डेलीगेटिंग करना, ठीक है, तो हम डिसीजन मेकिंग को पढ़ रहे हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिला था, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी में मिला था। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर किसी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डेलीगेटिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग, ई फॉर इवेल्युएशन, एफ फॉर फीडबैक, ठीक है, बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मेरे को। अब आप देखो डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन एक बार आ चुका है अलग से, तो हम इस डिसीजन मेकिंग को बहुत बड़े रूप में पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग में हम देखेंगे कि कोई भी हमें डिसीजन होता है वो लेते कैसे है? तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, पहला स्टेप होता है डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, पहले पता करो प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम जैसे पता चल गई तो पहले करो, उसके बाद एक्वायर करो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको लाओ, ठीक है, फिर तीसरा स्टेप होता है इसमें कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको एनालाइज करो, फिर उसके बाद करो इन्वेस्टिगेशन द प्रपोजिशन एंड टेंटेटिव डिसीजन कि ये नहीं तो और क्या डिसीजन हो सकता है, फिर उसके बाद करो जो आप इवेल्युएट करोगे टेंटेटिव डिसीजन को दोबारा से, ठीक है, फिर आपने जो डिसीजन करा है, जो मेक जो आपने डिसीजन करा है उसको पुट करो, ठीक है, और उसका इफेक्ट देखो, तो पुट एंड इफेक्ट मेजर, मतलब ये डिसीजन आएगा तो क्या होगा, अब आपको लग रहा है कि इफेक्ट ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे तो उस डिसीजन को क्या कहते हैं फाइनल कर दो और बस लास्ट में कर दो फॉलो अप, तो फॉलो अप को मैं फीडबैक भी लिख सकता हूँ कि फीडबैक भी पता चले कि उस डिसीजन लेने से क्या हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब इसको रखेंगे ऐसे, जैसे कि मान लो ये गाँव है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग माइग्रेशन कर जाते हैं शहरों में, ठीक है, तो गांव में एग्रीकल्चर के लिए कोई बचा नहीं, तो सबसे पहले हमने डिफाइन करी प्रॉब्लम है क्या, तो प्रॉब्लम में बदला कि माइग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर हमने बैकग्राउंड ली इन्फॉर्मेशन की क्या क्या है, तो बैकग्राउंड में हमें पता चला कि लोग माइग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विलेज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो पहला है एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है एजुकेशन के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है लाइफ स्टाइल उन्हें शहर की इतनी अच्छी लग रही है तो लाइफ स्टाइल वो लेना चाहते हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो इसलिए भाग रहे हैं, ठीक है, तो और भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो इसलिए भाग रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर हमने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अब हमारे क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है आप ऐसा करो, सबसे पहले तो यहाँ पे एजुकेशन को सबसे अच्छा करो, कम से कम एक क्या कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाओ, ठीक है, अगर वो बड़ी जगह है तो कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई सब ब्रांच खोल दो या प्राइवेट हॉस्पिटल कोई एक दो खुलवाओ, ठीक है, स्पेशलिस्ट टाइप का, फिर क्या है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे तो मार्केट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हेल्थ का हमने कर लिया, तो ये सारे हमारे बैकग्राउंड कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, फिर हम क्या करेंगे इन्वेस्टिगेट द प्रोपोजिशन एंड टेंटेटिव डिसीजन, तो फिर हमने जो ये हमने क्या करा कोर्स ऑफ एक्शन थे हमारे, तो हमारे जो डिसीजन होंगे, ठीक है ना, तो हम इसमें से हम सोचेंगे कौन सा बेस्ट अवेलेबल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, हमारे जो फिनेंस है, ठीक है ना, या हमारी कोई पॉलिसी जो है वो किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, फिर हमने कहा कि चलो यार इतना सारा तो नहीं कर सकते तो हम एक काम करते हैं कि हम आपके यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, सारा का हमारा बजट नहीं है, ठीक है, तो भी उसको एवेल्यूएट कर लेंगे कि जब एजुकेशन हो गया तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये लोग होशियार बनेंगे तो क्या पता ये लोग यहीं पे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दें, इंटरप्रेन्योर बन जाए, ठीक है,
तो फिर उसका फीडबैक ले लेंगे कि भाई स्कूल खुले 5 साल हो गए, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तो ये पूरा एजेंसी का स्ट्रक्चर हो गया। ये एग्जाम्पल वहाँ पे डाल देना तो समझ जाएगा डिसीजन मेकिंग आपको पता है। तो डिसीजन मेकिंग में पूरा क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग किस में होता है? ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है, ना कि इस वाले डी में, वो डेलीगेशन होता है। अब डिसीजन मेकिंग करते समय दो चार चीज़ें होती हैं जो फिलोसफिकल चीज़ें, मतलब जो कुछ स्कूल ऑफ थाट है हम उसको फॉलो करते हैं। तो दो स्कूल ऑफ थाट को फॉलो करते हैं, एक तो होता है वैल्यू बेस्ड और एक होता है फैक्टर बेस्ड या फैक्चुअल, उसको मैं बताता हूँ। डिसीजन मेकिंग जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है वैल्यू बेस्ड, एक होती है फैक्ट बेस्ड, ठीक है। फैक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि ये हमारे सामने आ रहा है कि इतने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पिछला वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फैक्ट है ये पूरा, ठीक है। इस फैक्ट को हम लिख भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है जो हम अपना लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म गोल को लेके सोचें, मतलब अगर उसी पिछले वाले केस में हमें लेना था तो लॉन्ग टर्म गोल हमारे इस वक्त रहता है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। तो इस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या है, एक तरीके की उसको हम छू नहीं सकते, ये वैल्यू बेस्ड है उस इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट करना, और डेवलपमेंट में कुछ भी आ सकता है, वो हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो दो तरह के ये लेते हैं, तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट के जो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हुए, तो कुछ स्कूल मानते हैं कि जब डिसीजन मेकिंग होती है तो वैल्यू, ठीक है, और फैक्ट, इन दोनों का परफेक्ट क्या होता है, बैलेंस होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब आप भी अपने कोई डिसीजन लेते हो ना, उसमें देखना कि एक वैल्यू और जो फैक्ट होंगे इन दोनों का मिक्सचर होगा कुछ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन एक महान भाव हमें पढ़ने हैं अपने सोशल वर्क में, उनका नाम है साइमन। साइमन कहते हैं कि जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें क्या होता है, एक ही चीज़ होगी, या तो आपकी वैल्यू बेस्ड अप्रोच डोमिनेंट होगी या फैक्ट बेस्ड, ठीक है, दोनों नहीं हो सकती, या तो ये होगी या तो ये होगी, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग आर फार बेटर देन वैल्यू बेस्ड क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया भी था कुछ साल पहले, तो मैंने सेम बता दिया। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो वहाँ पे उन्होंने लिख रखा था कि क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि फैक्ट बेस, ठीक है, डिसीजन जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं वैल्यू बेस से, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यही डिसीजन, दो तरीके होते हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं कि इन दोनों परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन एक साइमन नाम के बाबा थे, ये मानते थे कि या तो वैल्यू बेस्ड होगा या तो फैक्ट बेस्ड होगा, ठीक है ना। अब हम देखो इसमें दोनों में से या तो क्रिटिकल एनालाइज करना है, तो मतलब इसका पॉजिटिव भी लिखना है, नेगेटिव भी लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन या तो ऐसे भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन आर गुड, आइदर वैल्यू बेस्ड और फैक्टर बेस्ड, ठीक है। तो अभी आंसर कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये अच्छा होता है, किसी किसी सिचुएशन में फैक्ट बेस्ड डिसीजन बहुत अच्छे हो जाते हैं, किसी किसी में वैल्यू बेस्ड अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल एज्यूम करना है और वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे, अगर मान लो इस क्वेश्चन में तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि फैक्ट बेस्ड अच्छे होते हैं, तो हमें मान के चलना है कि फैक्ट बेस्ड को ही लास्ट में जिताना है। लेकिन कभी जो वो मान लो क्वेश्चन ऐसा कर दे कि आपकी प्रेफरेंस में क्या है, तो आप क्या डिसाइड कर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है हमें और उसे वहीं पर वैसे ही बेवकूफ़ बना देना है। अब देखो एग्जाम्पल में हम क्या डालेंगे, यही पिछले वाला माइग्रेशन वाला, कि फैक्ट हमारे पास था तो हम फैक्ट से हमने क्या करा, हमने इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट सॉल्यूशन उसका ढूंढ दिया कि स्कूल खोलो या हॉस्पिटल खोलो, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, वहाँ पे हमें इमीडिएट सॉल्यूशन हो गया, तो इमीडिएट हम क्या होते हैं, माइग्रेशन रोक सकते हैं 5 से 10 सालों में। अगर हम वैल्यू बेस्ड की बात करेंगे जो एक लॉन्ग टर्म है, जो कह रहा है कि गांव का विकास होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट कब होगा, कैसे होगा, अभी बहुत सी चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे क्लियर नहीं हुई है, हमारे पास फैक्ट नहीं है, हमारे पास खाली एक विजन है, ठीक है। तो कोई भी विजन बिना फैक्ट कैसे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, फैक्ट की तो जरूरत होगी। तो ये विजन का ना विजन ही रह जाएगा, ठीक है, सरकार बदलती रह जाएंगी, ये सब यहीं पे का यहीं रह जाएगा, डेवलपमेंट होना है, अरे डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट क्या पैरामीटर है, क्या फैक्ट है, क्या फाइंडिंग है, लास्ट में तो क्वेश्चन ये आता है ना। तो हम देखेंगे कि इसलिए फैक्ट बेस्ड जो है डिसीजन जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, और इसीलिए लास्ट में पंचला लिखने की साइमन ने कहा था कि आप दोनों में से किसी एक के पास जा सकते हो और इस कंडीशन में फैक्ट बेस पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्ट बेस के क्रिटिकल एनालाइज करना है तो थोड़ी बुराई भी दिखानी पड़ेगी। बुराई कैसे दिखा दोगे, कि फैक्ट
से क्या है, तो हम लॉन्ग उसको उल्टा कर दो, लॉन्ग टर्म जो है हमारे गोल उसको हम भूल सकते हैं। यहाँ पर हमने डिसीजन लेके कोई एक निकाला, स्कूल ही बनेगा, ठीक है, तो हमने और वेरिएबल को भूल गए, ठीक है ना। तो इस टाइप का थोड़ा सा इसकी कमी लिख देनी है। अब जब बराबरी में करना है तो आपको जो अच्छा लगेगा तो आप वहाँ पे कर सकते हो, दोनों पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखो अब सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, हमेशा याद रखना कभी भी उत्तर हाँ और ना में नहीं देना है, हमेशा डिप्लोमेट बनो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसी आंसर को ज्यादा मिलेंगे नंबर, ठीक है। हाँ या ना तभी बोलो जब उसने पूछ ही दिया कि या तो ये चुनना है तो ये चुनना है, नहीं तो चुपचाप क्रिटिकली एनालाइज करके क्वेश्चन से बाहर आ जाओ। जब साइमन नहीं बता पाए तो तुम क्या बता पाओगे, समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये ट्रैप होते हैं क्वेश्चनों के, जिससे आपकी साइकोलॉजी पता होती है। तो असली आदमी वही है जो साइमन को फॉलो कर देगा, ठीक है ना, या कोई बीच का आंसर दे देगा, डिप्लोमेट बन जाएगा, ठीक है ना, उसको मिल जाएंगे। क्योंकि जो चेक करने वाला होगा ना उसकी भी एक थिंकिंग होगी, क्योंकि वो खुद सोशल वर्कर होगा, ठीक है, वो पढ़ाता होगा, उसको पता होगा कि फैक्ट बेस्ड ज़्यादा अच्छा होता है, वैल्यू बेस्ड होता है, और वो पता नहीं वो इस स्कूल से बिलोंग करता है कि इस स्कूल से बिलोंग करता है। तो इसलिए याले क्वेश्चन को अटैम्प करते समय ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज जो हो उसी से उसको पेपू बनाना वहाँ पे। तो ये मैंने डिसीजन को बहुत ब्रॉड रूप में पढ़ा दिया। अब हम उसके बाद स्टाफिंग हमारी हो गई थी, डी फॉर डेलीगेशन था। तो डेलीगेशन का मतलब देखो क्या होता है, ये तुम्हारा एक बॉस है, ठीक है ना, ये सारे काम कर नहीं सकता, ठीक है, तो कुछ ये अपने सबॉर्डिनेट को देता है, ठीक है, तो ये करता है अपनी जो इसकी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डेलीगेट करता है। डेलीगेट में अंतर ये होता है कि कल को मान लो सबॉर्डिनेट ने कुछ कर दिया तो सरकार इसको नहीं पकड़ेगी या आपकी एजेंसी इसको नहीं पकड़ेगी, पकड़ेगी इसी को, ठीक है, क्योंकि इसने अपना काम डेलीगेट्स करा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डेलीगेट होती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है। तो इसी तरह हमें डेलीगेट करना पड़ता है, क्योंकि लोग अलग अलग माइंड के होते हैं, अलग अलग उनकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है, कोई किसी चीज़ में तेज है, कोई किसी चीज़ में तेज है। तो इसलिए मैनेजर अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी अपने काम को डेलीगेट करता है लोअर में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का हमने पढ़ लिया था, अब आया रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। रिपोर्टिंग देखो कैसी हो सकती है, ये क्या कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट है, ये मिडिल मैनेजमेंट है, ठीक है, और ये लोअर मैनेजमेंट है, इसके नीचे सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। तो एक तो इस वे में हो गई, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड रिपोर्टिंग, ठीक है। डाउनवर्ड रिपोर्टिंग नहीं मतलब रिपोर्ट हो रही है, मतलब ये इसको कह रहा है, ये इसको करता है, ठीक है। एक होती है पैरेलल रिपोर्टिंग, पैरेलल रिपोर्टिंग चलती है सेम क्या कहते हैं आपके रैंक के ऑफिसर हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो ये तीन है और तीनों ही मैनेजर हैं, ठीक है, ये मैनेजर है अकाउंट का, ये मैनेजर ऑपरेशन का, ये मैनेजर है मार्केटिंग का, तो इन तीनों में रिपोर्टिंग पैरेलल चल सकती है, ठीक है। अपवर्ड जो है रिपोर्टिंग हमेशा कैसे किस में चलेगी, जो अपने से ऊपर में करेगा, तो रिपोर्टिंग कैसी भी चल सकती है। तो आजकल तो जो एमएनसी में नया नया कल्चर आ रहा है, रिपोर्टिंग जो होती है कोई भी सर्कुलर पैटर्न में चल जाती है, तो किसी भी उसमें चल सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें पता ही है कि रिपोर्टिंग का लेवल क्या होता है, कि सेंट्रल है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, फिर ब्लॉक और फिर विलेज, ये इस टाइप की रिपोर्टिंग होती है अगर सेम सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्टिंग में ज़्यादा पूछते नहीं है। फिर बी फॉर आ गया आपका, क्या बताया था मैंने, बजटिंग, ठीक है ना। देखो तो बिना पैसे के कुछ नहीं चलना है, ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी अगर वहाँ पे हमें पैसा नहीं मिला। तो बजटिंग में कैसा करेंगे कि आपका बजट क्या है अकॉर्डिंग टू आपके रिसोर्सेज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसी प्रकार का अगर मान लो नहीं कर रहा है तो आप बजट कहाँ से लाओगे, कि आप कहीं से बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड शेयर मार्केट से पैसा लाओगे, या गवर्नमेंट से कहोगे भाई हमें कुछ पैसा दे दे, ठीक है, या फंडिंग करोगे कहीं से, फॉरेन फंडिंग भी होती है जिस पर अभी बैन लगा पड़ा है, तो इसी टाइप की बजटिंग करोगे, ठीक है, और जो पैसा बचेगा फिर उसको रिडेवलपमेंट में कैसे लगाओगे। तो अब यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा होगा। बजटिंग हो गई, अब बजटिंग के बाद वो ई और एफ, उसमें कुछ है ही नहीं, इवेल्यूएशन एंड फीडबैक, तो वही है, प्रोग्राम का इवेल्यूएशन करना है और उसका फीडबैक आपको दे देना है। तो यहाँ तक पूरा ये ख़त्म हो गया है, ठीक है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना बाकी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डिफाइन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, ठीक है।
सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बता दिया मैंने, ठीक है, उसको डिस्कस कर देना। दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिख देता हूँ यहीं पे, फैक्चुअल एलिमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव, मेरी वॉइस को सुनते रहो, इधर मत देखो, इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट लिख रहा हूँ, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देन द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वैल्यू क्रिटिकली एनालाइज। कितना बड़ा क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है, वही वाला कि ये कह रहा है कि फैक्चुअल एलिमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इफेक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रेदर देन वैल्यू बेस्ड। तो सेम इसने खुद ही कह दिया, फैक्टर फैक्चुअल अच्छे होते हैं तो उसी को क्रिटिकली एनालाइज कर देना, लास्ट में असाइनमेंट को डाल देना। फिर आया सोशल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, क्वेश्चन सुनते रहो, ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसीज इंटू सोशल सर्विस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, बताता हूँ। क्वेश्चन लास्ट ये आता है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेसेस लिखो, ठीक है, पूरी डिस्क्राइब करनी है, तो वही POSD CORBEF वो पूरा कर देना, डिस्क्राइब में कर देना, डिसीजन थोड़ा बड़ा कर देना। अब ये अलग क्वेश्चन देते हैं, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल पॉलिसी इंटू सोशल एक्शन, तो मैंने बताया ना सोशल पॉलिसी को सोशल एक्शन में कन्वर्ट करना है, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, तो इसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले तो सोशल पॉलिसी समझानी है, ठीक है, वही दो लेवल बता देना है, नेशनल स्टेट लेवल और ये अलग लेवल आपका लोकल लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या देख देना है कि सोशल जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिसी वो क्यों पैरालाइज है, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। फिर उसके बाद का सॉल्यूशन करके दिखा देना है, सोशल सर्विस या सोशल एक्शन में कैसे कन्वर्ट होती है, सोशल वेलफेयर एजेंसी क्या करती है, वो ये पोस्ट कॉर्ब लगा के इसको क्या करती है, पॉलिसी को कन्वर्ट करती है सोशल एक्शन में, जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। एक एग्जाम्पल डाल देना, मान लो डिसेबल से रिलेटेड कोई क्या है पेंशन स्कीम है, ये सारे डिसेबल लोगों को नहीं मिल रही है, तो एज एजेंसी एजेंसी आप क्या करोगे, ठीक है, और उन चीज़ों को कैसे दूर करोगे, वो एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, कोरिलेशन वाला क्वेश्चन है। अब इन चारों में से, ठीक है ना, अब चारों याद ईजी हैं, तो इसमें 90% जो है पूरा आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। 10% का इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम याद रखो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये पेपर, ठीक है, अब आसार लग रहा है कि थोड़ा लेट भी हो सकता है, ठीक है, रिट्वीट लग गई है, अगर ये पेपर मार्च में नहीं होता, अगर ये लेट जाता है तो हम आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर पहले जाता है तो शायद हम आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट ना कर पाएँ, ठीक है। 55% सिलेबस पेपर वन का कंप्लीट हो गया है, अगर इस यूनिट को आज पूरा मान लें तो 60 भी मान सकते हो, लेकिन 55 बनना है, ठीक है। पेपर टू की जो लास्ट यूनिट है, ठीक है, सोशल वर्कर का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच बतानी है, मेंटल मेडिकल सोशल वर्क में, हैंडीकैप में, तो पेपर टू की खाली ये वाली यूनिट में छूँगा, ठीक है। पेपर टू की ये सबसे लास्ट यूनिट है, सिलेबस में जाना सबसे लास्ट में लिखा होगा, ठीक है, तो ये मैं खुद कराऊंगा, इससे पहले जितना भी पेपर टू में वो खुद करना बहुत ईजी है, डॉरी वॉरी ये सब, ये कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, किसी भी किताब से पढ़ो, नेट से भी सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरा काम है, अब आपकी दो यूनिट पेपर वन में रह गई है, एक ये करा दूंगा, ठीक है, इसके बाद अपना पूरा ये सोशल वर्क का हो जाएगा, ठीक है। 10-15 दिन इसको रटो, याद करो और पेपर और नंबर मिलो। अगर ये लेट हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, मैं क्वेश्चन बोला करूँगा, उसके आंसर जो मेल करवा लूँगा अपने पे या कुछ करूँगा, मैं वो ट्रिक बताऊँगा तभी, ठीक है। तो उससे मैं क्या करूँगा, आपके आंसर इतने मजबूत करा दूँगा कि क्वेश्चन आते ही वहाँ पे लिखना है, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं सोशल वर्क में लिखते लिखते, ठीक है, तो वो मैं प्रैक्टिस करा दूँगा, ठीक है। और अगर हाँ लेट होता है तो फिर मैं स्टैटिक भी करा दूँगा, क्योंकि पेपर टू में स्टैटिक के 50-60 क्वेश्चन आते हैं, मीन मोड मीडियन कर्टाइल डेसाइल, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है,
और कमेंट करते रहो, उससे पता चलता रहता है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।